रायकोट के पिंड शाहजहानपुर विखे स्थित छोटे वड्डे सरकार डेरा 11वीं वाला विच समूह नगर निवासियां ग्राम पंचायत अते शरदालुआं दे वल्लों मुख सेवादार बाबा इरफान साबरी कमली शाह दी देखरेख हेठ तीवां उरस मुबारक भंडारा अते सभ्याचारक मेला करवाया गया। इस तीन रोज़ा मेले के पहले दिन कुरान पाक की तलावत अते चंडे की रस्म अदा की गई। उत्थे महफिले कवाली प्रोग्राम के दौरान प्रसिद्ध कवाला ने सूफियाना कलाम सुना के संगतां नूं निहाल कीता, जबकि अखीरले दिन कुरान शरीफ की दुआ की गई अते चादर चढ़ाउण दी रसम बाबा इरफान साबरी अते समूह कमेटी मैंबरां दे वल्लों अदा की गई। इस उपरंत सभ्याचारक मेला भी करवाया गया, जिस दे विच हलका रायकोट के विधायक हाकम सिंह ठेकेदार ने मुख मेहमान दे वजों हाजरी भरी। देर शाम तक चले इस सभ्याचारक मेले दे विच प्रसिद्ध गायकां कलाकारां ने अपने फन का मुजहरा किया। इस मौके मुख सेवादार बाबा इरफान साबरी कमली शाह का की कहना सी, आओ दिखाउंदे आ तुहानू। मेरा नाम मोहम्मद इरफान साबरी कमली शाह शाहजहानपुर। ये हर साल समागम होता है, कुरान पाक की तिलावत 22 मार्च को 8 बजे होती है और बीच में ख़त्म शरीफ होता है 23 मार्च को भी, और आज 24 मार्च है। इसमें सुबह 10 बजे दुआ हुई है और उसके बाद पंजाबी कलाकार का प्रोग्राम चल रहा है। रात को महफिल शमा होगी और बाबा जी की चादर चढ़ाई गई है 1 बजे। दूर दराज से संगत आती है, अपनी मनोकामना पूरी करती है और यहाँ बे औलादों को फल दिया जाता है, जो उनकी मनोकामना पूरी होती है मालिक उनको पुत्र की दाद बख्शता है। और यहाँ ख़ास एक मुकाम है, जो शुगर के मरीज़ हैं उनको जलेबियों का प्रसाद खिलाया जाता है, अल्लाह उनको शिफा देता है। और बड़ी करामात है सरकार के रोज़े पर कि जलेबियों का प्रसाद खा के अल्लाह शिफा देता है उनको। संगत इसी तरह से आती रहे, सरकार का उर्स भरता रहे। अल्लाह हमारी तरफ से तो ये दुआ है कि अल्लाह इन सबको तंदुरुस्त रखे, पूरा इलाके को, पूरे स्टेट को, पूरा मुल्क तंदुरुस्त रहे और हमारे दरबार में इसी तरह से मेले लगते रहे। अल्लाह आपको भी तंदुरुस्ती रखे, मीडिया वालों को भी तंदुरुस्ती रखे, हमारी तो यही दुआ है, इलाका निवासियों को भी।